नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, शॉर्ट आंसर वन, ऐसे वन स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर कॉमा व्हेन इमर्स्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 × 10⁻²⁺ न्यूटन पर मीटर, देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज जीरो। बोला गया है बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर, बाय द वे स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें पता होना चाहिए ये। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³ एंड स्मॉल जी स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कंसिडर कर रहे हैं 9.8 m/s². स्टूडेंट्स कैपिलरी एक्शन का लिक्विड के राइज का फॉर्मूला बताइए, H=2T cos θ / ρRg। सही, H=2T cos θ / ρRg। स्टूडेंट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बताइए, θ = 0° ओके। तो बच्चों आप एक काम कर लीजिए, पहले आप थीटा को जीरो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इजी हो जाएगा, आपको एच मिलेगा 2t × cos of 0, cos 0 तो 1 होगा बेटा, सो 2t/ρRg, दैट मीन स्टूडेंट्स एच होने वाला है 2 × t, सरफेस टेंशन टी, हाउ मच इज दैट बच्चा लोग, 7 × 10⁻², न्यूटन पर मीटर, ओके, डिवाइड बाय रो आर जी, बच्चों डेंसिटी इज रो 1000 kg/m³, दैट इज 10³ kg/m³, इनटू स्टूडेंट्स आर, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब 0.1 mm, मतलब 10⁻⁴ m, इनटू में बच्चों स्मॉल जी 9.8 m/s², स्मॉल जी 9.8 m/s², तो बच्चों टोटल हो गया 2 × 7 = 14 / 9.8, बेटा बच्चों इनटू में बताइए, यस 10⁻², नीचे का माइनस वन ऊपर आएगा तो प्लस वन, तो 10⁻²⁻ चलेगा बच्चों ये, 14 / 9.8 इनटू बच्चा लोग 10⁻²⁻, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें एच मिल जाएगा बच्चों 1.428 इंटू 10⁻²⁻, और वी कंसीडर एच एज, एक डेसिमल आप शिफ्टिंग कर लीजिए, सो 0.1428 m, ठीक है ना स्टूडेंट्स, एच का वैल्यू